हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं पाठक सर, आज आप लोग को टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। आज हम सभी लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसको कहते हैं हिंदी में बीता हुआ अनिश्चित काल। इंडेफिनिट का अर्थ ही होता है अनिश्चित, क्योंकि इसका कोई कार्य निश्चित नहीं होता। जैसे वह जाता था, खाता था, कब खाता था, कोई निश्चित नहीं है, इसलिए इसका नाम पड़ा बीता हुआ अनिश्चित काल। इसका पहचान है कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ताथा, तेथे, तिथि या आ ई ए आता है उसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहा जाता है। गाइस, इसमें दो पहचान है। वाक्य अंत में ताथा, तेथे, तिथि आएगा या तो आ ई ए आएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाता था या वह स्कूल गया। आप देख सकते हैं कि इसका पहचान जो है अलग अलग है। एक में है जाता था, एक में गया, लेकिन एक ही है, क्योंकि वाक्य अंत में ताथा, तेथे, तिथि आता है या तो आ ई ए आता है। तो देखिए, इसमें या आया है, इसमें ताथा है, बात एक ही है। कमला मेरे घर आती थी या कमला मेरे घर आई, तो आप गाइस समझ गए होंगे कि इसका पहचान क्या है और कैसे होता है। अब नोट में देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इसकी सिर्फ डिड होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ डिड होती है, और सभी सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग होता है। लेकिन ध्यान रहे कि इसका प्रयोग प्रायः नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है, और डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। जैसा कि रूल से देखेंगे आप, कि पहला रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस का रूल है। आप जानते हैं गाइज कि पूरे टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में ही प्रयोग होता है, अन्यथा कहीं नहीं होता है। तो जब भी वाक्य सिंपल हो तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा, जैसा आप देख रहे हैं। दूसरा रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यह निगेटिव का रूल है। यानी डिड नॉट जो है अगर आया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें प्रयोग होगा। जहां पर भी डिड नॉट लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर कोई सेंटेंस क्या से प्रारंभ होता है तो हम पहले डिड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स। यदि कोई वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो पहले डिड का प्रयोग किया जाएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है सिर्फ डिड ही होती है। तो या तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट जो है आपका प्लुरल हो, दोनों के साथ डिड ही का प्रयोग होगा। जब डिड का प्रयोग होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। यदि सेंटेंस में इंट्रोगेटिव शब्द बीच में आया हो, यदि किसी वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द अगर बीच में आया है तो पहले उसका अंग्रेजी लिखा जाता है। तो इसीलिए नियम बना QW, यानी क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डिड रख, मैंने उसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स। यदि वाक्य में कौन शब्द आया है तो इसको दो तरह से बनाया जाता है, दो तरह से इसका यूज किया जाता है। यदि सिंपल है, इंट्रोगेटिव है, तो हु प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो हु प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। जिस वाक्य में कौन शब्द आता है वह स्वयं सब्जेक्ट हो जाता है। तो यदि सेंटेंस जो है सिंपल इंट्रोगेटिव हो और उसमें जो है कौन शब्द आया हो तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा, उसमें डिड नहीं लगेगा। यदि नेगेटिव होगा तभी डिड नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो गाइज, आप समझ गए होंगे। अब आप लोग जो है अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे देखिए, पहला है वह दिल्ली में रहता था। देखिए, वाक्य अंत में ताथा आ गया तो निश्चित है कि पास्ट इंफिनिट टेंस है और सिंपल सेंटेंस है। तो ही लिव्ड, यहाँ लिव्ड का प्रयोग इसलिए किया गया है कि इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। तो ही लिव्ड इन दिल्ली, अर्थात यानी सिंपल सेंटेंस में हमेशा जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा।
दूसरा है वे लोग कलकत्ता गए। तो देखिए वे लोग यहाँ सब्जेक्ट है, कलकत्ता ऑब्जेक्ट है और गए जो है आपका वर्ब है, यानी हिंदी वाक्य के अंत में ही हमेशा क्रिया पाई जाती है। तो दे वेंट टू कलकत्ता, कलकत्ता को कोलकाता भी कह सकते हैं। इस तरह से देखिए तीसरा वाक्य, क्या वह प्रातः में पढ़ती थी। क्या शब्द पहले आ गया तो डिड का प्रयोग पहले कर देंगे। डिड सी रीड इन द मॉर्निंग, डिड सी रीड इन द मॉर्निंग। इस तरह से वह कहाँ रहता था। अब देखिए कहाँ शब्द इंट्रोगेटिव शब्द बीच में आ गया, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी, वेयर डिड ही लिव, वेयर डिड ही लिव, उसे कौन बुलाया। अब देखिए कौन शब्द इसमें बीच में आया है, लेकिन ये सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो हु कॉल्ड हिम, हु कॉल्ड हिम। उसके बाद दूसरा है, राम को कौन नहीं पढ़ाया, तो देखिए निगेटिव हो गया, इसी को कहते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव, इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो राम को कौन नहीं पढ़ाया, तो जिस वाक्य में कौन शब्द आता है अगर वो सिंपल है, नॉट नहीं है, तब तो उसमें जो है सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज किया जाएगा। यदि नहीं आ गया तो डिड नॉट का प्रयोग होगा, और जैसे ही डिड नॉट का प्रयोग होगा तो वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हु डिड नॉट टीच राम। तो गाइज आप इसको समझ गए होंगे। पार्ट टू में देखिए क्या एक सेंटेंस है, गया गया गया, एक सेंटेंस ऐसा ऐसा आता है, तो इसमें देखने में थोड़ा सा ये अलग लगता है, लेकिन एक गया का मतलब सब्जेक्ट है, दूसरा गया का मतलब ऑब्जेक्ट है, तीसरा जो है हाँ। तो गाइस देखिए गया 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 अर्थात इसमें तीन शब्द आया है, तो एक गया सब्जेक्ट के रूप में है, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में है, तीसरा जो है वर्ब के रूप में है। तो गया वेंट टू गया। इसी तरह से आप देखेंगे घोड़ा सड़क पर चरचरा कर गिर पड़ा, तो ऐसी स्थिति में चरचराना शब्द की अंग्रेजी विथ क्रैक होती है, ए हॉर्स फेल डाउन ऑन द रोड विथ क्रैक, क्रैक शब्द आता है, चरचराना की अंग्रेजी कोई खास नहीं है, क्रैक होती है। एक सेंटेंस है आपका, ये एक तरह से अल्टरनेशन जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उस तरीके से, तंग घोड़े ने तंग सवार को तंग गली में तंग किया। इसका होगा तंग घोड़े का होता एन एरोगेंट हॉर्स टीज्ड ए ट्रबल राइडर इन ए नैरो लेन, यानी ए एरोगेंट हॉर्स का मतलब एक तंग घोड़े ने तंग किया कर टीज्ड हो जाएगा, और तंग सवार को ए ट्रबल राइडर, और जो है तंग गली में तो इसका हो जाएगा इन ए नैरो लेन, तो इसका बनेगा एन एरोगेंट हॉर्स टीज्ड ए ट्रबल राइडर इन ए नैरो लेन। तो गाइज जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग पूरी बात समझ गए होंगे, पूरे नियम को देख करके आप बनाने का प्रयास करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो आज यहीं तक, यदि ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, ऑल ऑफ यू।